अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। शंखनाद और मंत्रोच्चार के बीच रामलला अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान हुए। इसके बाद अयोध्या नगरी जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। देश की कई जानी मानी हस्तियां इस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनी, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में शामिल नहीं हुई। इसी तरह बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा रहे लालकृष्ण आडवाणी भी समारोह में हिस्सा नहीं ले पाए। दोनों को ही मंदिर ट्रस्ट की ओर से न्योता दिया गया था। लालकृष्ण आडवाणी के बारे में बात करें तो उन्होंने ठंड की वजह से अपनी यात्रा रद्द कर दी। पूर्वोत्तर भारत में इस वक्त काफी तेजी से ठंड बढ़ रही है। ऐसे में 96 साल के आडवाणी ने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अयोध्या न जाने का फैसला किया। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू इस कार्यक्रम में क्यों शामिल नहीं हुई, इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि उन्होंने रविवार को एक पत्र लिखकर पीएम मोदी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभकामनाएं दी थी। इस पत्र के बाद से ये माना जा रहा था कि वो कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। अपने पत्र में राष्ट्रपति मुर्मू ने लिखा कि अयोध्या धाम में नए मंदिर में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप विधिवत तपश्चर्या कर रहे हैं। इस अवसर पर मेरा ध्यान इस महत्वपूर्ण तथ्य पर है कि उस पावन परिसर में आपके द्वारा संपन्न की जाने वाली अर्चना से हमारी अद्वितीय सभ्यतागत यात्रा का एक ऐतिहासिक चरण पूरा होगा। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन से जुड़े देशव्यापी उत्सवों के वातावरण में भारत की चिरंतन आत्मा की उन्मुक्त अभिव्यक्ति दिखाई देती है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम सब अपने राष्ट्र के पुनरुत्थान के एक नए कालचक्र के शुभारंभ के साक्षी बन रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष के कई नेताओं ने पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण न दिए जाने का मुद्दा उठाया था, लेकिन बाद में जब उन्हें न्योता दिया गया तो ये मुद्दा शांत हो गया। अब प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में राष्ट्रपति के शामिल न होने को विपक्ष फिर से एक बार मुद्दा बनाकर उछाल सकता है।